वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमारा एक ही नारा है बस, कि हम किसी और सिस्टम को सजदा नहीं कर सकते, बस। बेशक मैं एक ईंट हूं अपने इस्लाम की, एक ईंट हूं, मगर मैं इस्लाम की ईंट बनूंगा बस। किसी और जगह के ऊपर मिक्सचर आ गया मेरा तो मुनाफिक, दोज़ख के ना सात दर्जे, सातवां दर्जा किसका है? शैतान का, और आठवां दर्जा मुसलमान का, मुसलमान शैतान से भी नीचे है दोज़ख में। कि तुम्हें तो सब कुछ दिया था, तुम बैठे नाम के मुसलमान आ गए हो, मोहम्मद अली नाम रख के बच गए हो, तुम समझ रहे हो तो कि मेरी रहीमियत को चैलेंज करोगे? शैतान से भी नीचे तुम जाओगे, क्योंकि तुम उस जगह पे जाके तुमने कुरान को डिवैल्यू किया, कि जहां पे मैंने तुम्हें नुसरत के वादे किए हुए थे, तुम्हें चांस भी कोई नहीं, 100% गारंटी दी थी, तुम्हें मेरे वादों पे यकीन नहीं आया, मुझे झूठा समझा तुमने। चल आ बेटा लाइन पे लाग नीचे, उधर अबू जहल और अबू लहब हम पे देख के ठट्ठे उड़ाएंगे कि अब तेरे मुकाबले में हम बच गए, कर लो नया पाकिस्तान, या सबसे पहले पाकिस्तान, या OIC और वरावर जो UAE में चल रहा है। आई डोंट केयर क्या चल रहा है, रियल क्वेश्चन इज एक घर के अंदर इस्लाम नहीं चल रहा बस। मैं गवर्नमेंट को नहीं मानता होता, मैं घर को मानता होता। इस्लाम की इकाई खानदान है, इस्लाम का मतलब मेरा, मेरी बीवी का और मेरे बच्चे का खानदान। अगर मैंने उधर ही नाफिज कर सक रहा हूँ, मैं आपको और क्या बातें करेंगे, इमरान खान दो नंबर है, नवाज शरीफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी हमारे घरों से निकले हुए बच्चे हैं। सैंपल है, ट्रक में से चावल का सैंपल लेना हो तो आप एक मुठ्ठी चावल ही लेते हैं ना, तो एक मुठ्ठी है वो नजर आ रही है हमें इमरान खान के, पाकिस्तान के घरों में क्या चल रहा है, नवाज शरीफ एक मुठ्ठी है नजर आ गए। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जजाकल्ला।